हाय गाइज गुड इवनिंग आज की इस वीडियो में हम गर्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आज की इस वीडियो में टॉप हम पचास प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का समावेश करके लाए हैं आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला में एक से एक बढ़िया प्रश्न लेकर के आए हैं और इस वीडियो से आपको परीक्षा में कम से कम मानिए दस नंबर अवश्य मिलेंगे तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं आपके सामने वीडियो पहला प्रश्न देखिए इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ए स्टार बी की वैल्यू इस तरह से मिलती है यहाँ मान लीजिए संख्या चेंज हो सकती है आपके लिए अन्य कोई सवाल वो बना के देता है तो कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र माइनस थ्री ए भी कर दिया या ए का क्यू प्लस बी का क्यू माइनस ए कर दिया ऐसे करके वो कुछ भी दे सकता है उसमें A और उसमें ए और बी की वैल्यू आपको ऐसे करके A है ए की वैल्यू नौ है बी की वैल्यू दस है तो आपको ए स्टार बी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसमें क्या करेंगे आप देखिए यहाँ ए की वैल्यू कितनी है नौ तो यहाँ नौ वैल्यू लाएंगे, नौ का स्क्वेयर बी की वैल्यू कितनी है दस तो दस का स्क्वेयर माइनस ए की वैल्यू नौ और बी की वैल्यू दस इसे हल करेंगे नौ का वर्ग होगा इक्यासी दस का वर्ग सौ माइनस नौ का गुणा दस में करेंगे तो नब्बे होता है सौ में से नब्बे चले जाएंगे दस बचेंगे और दस इक्यासी में जोड़े जाएंगे तो नाइन्टी वन हो जाता है तो इस तरह से आपका प्रश्न नाइन्टी वन सी सही हो जाता है अगला प्रश्न आपके सामने अगले प्रश्न में आप देख रहे होंगे एक से दस तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सभी सबसे छोटी संख्या क्या है ऐसी संख्या क्या है सबसे छोटी जो एक से दस तक की संख्याओं से विभाजित हो जाए तो यहाँ तो यही प्रश्न पूछा है केवल के वह कौन सी संख्या जिसमें एक से दस तक की संख्याओं का भाग चला जाए तो आपको क्या करना है कि एल्शियम लेना है इस तरह से आप ले लें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इसका एल्शियम लेंगे आप हल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा पच्चीस बीस नहीं तो आप हल्का करके देख लीजिए यहाँ पर पहले आप मान लीजिए दो से दे रहे हैं एक एक तीन दो पाँच दो का छः में तीन बार सात या आठ आठ में देंगे तो चार हो जाएगा नौ ये पाँच दो का भाग देंगे तो हैं फिर दे देंगे आप दो से द्वारा से एक एक तीन एक पाँच तीन सात दो चार में भाग देंगे दो का दो भाग गया और नौ यो के थे पाँच के थे जिसमें भाग नहीं जाएगा वो के तो उतार लेते हैं इसमें फिर दो से देंगे एक एक तीन एक पाँच तीन सात दो में देंगे दो का तो एक हो जाएगा एक के बाद फिर देखो नौ और पाँच योग आ जाएंगे यहाँ पर नौ और पाँच अब इसी प्रकार से फिर आप देंगे किससे तीन का देंगे इसमें दो बार चला जाएगा तीन और तीन तो इसमें तीन ख़त्म हो जाएगा ये तीन ख़त्म हो जाएगा और नौ भी ख़त्म हो जाएगा अब आपका देखिए बचेगा क्या इसमें पाँच और सात केवल पाँच और सात हो जाएगा तो तीन दो दो के तीन हो गए और तीन तीन, तीन के दो हो गए एक आएगा इसमें पाँच का और एक आएगा सात का अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो जो है आपका एलसीएम निकल आएगा देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना आपको दो गुड़ा दो गुड़ा दो तीन हो गया तीन तीन के थे आपके दो एक था पाँच का और एक था सात का देखिए पाँच का गुणा दस में करेंगे तो दस का जीरो आ जाएगा बाद बाकी ने गुणा कर लिए तीन तिया नौ नौ सात तिरसठ और दो दुनिया चार चार का गुणा करेंगे तिरसठ नौ चार तिया बारह हासिल एक छः चौका चौबीस और एक पच्चीस पच्चीस बीस ऑप्शन में देखो ये रहा तो अब यहाँ इन्होंने पूछा एक से दस तक की प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बना देता है कि एक से दस तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है औसत का समांतर माध्य क्या है तो कुछ नहीं करना एक प्लस दस बट्टे दो ये होता आपका ग्यारह बट्टे दो बराबर पाँच दशमलव पाँच ये इसका आंसर आ जाएगा और नहीं तो आप एक से दस तक की संख्याओं को जोड़ लीजिए उसमें फिर दस का भाग कर दीजिए तो वो भी उसका आंसर इतना ही आएगा पाँच पॉइंट पाँच कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा संख्या ना लिखेगा एक से दस तक वो सीधा बोलेगा प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा तब भी आंसर यही आएगा कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा या प्रथम पांच सम संख्याओं का या प्रथम पांच विषम संख्याओं का औसत क्या है तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करके देख लेंगे कुछ नहीं प्रथम पांच सम संख्या पूछे तो जैसे माली पहली संख्या दो चार छ आठ दस इनका औसत निकालना सबको जोड़ लेंगे पांच संख्या तो पांच का भाग कर देंगे जोड़ करके तो इसे आप ऐसे हल कर लेंगे जोड़ करके भाग करके ये प्रथम दस सम संख्याओं का हो गया अगर विषम संख्या की पूछे तो पहली विषम संख्या एक होती है फिर तीन पाँच सात नौ और प्रथम पाँच आवाज संख्या पूछे तो आवाज संख्या होती है आपकी जिन्हें रूढ़ संख्या भी कहते हैं पहली संख्या होती है दो फिर तीन फिर होती है पाँच सात ग्यारह ये पाँच हो गई इनका पूछेगा आपसे औसत तो कैसे निकालोगे इन सबको जोड़ दोगे तो आप जोड़ेंगे कैसे तीन और दो और में आप पांच भाग कर देंगे जो आएगा आंसर वो आपका औसत हो जाएगा तो इस तरह से प्रश्न पूछता है अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं बढ़िया प्रश्न है अगला प्रश्न आपके सामने यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को तीन सौ नब्बे पर बेचने पर बीस परसेंट का लाभ हुआ है देखिए यहां पर ये बीस परसेंट का लाभ हुआ है क्या हुआ है लाभ लाभ का मतलब ये हुआ कि जो क्रय मूल्य होता है मान लीजिए सौ है तो लाभ उसे कितना होता है सौ रुपये पे बीस रुपये यानी कि एक सौ बीस रुपये यानी एक सौ बीस परसेंट है कितने के बराबर तीन सौ नब्बे के बराबर तो आपको इसका क्रय मूल्य निकालना है हंड्रेड परसेंट पहले तो एक परसेंट की वैल्यू निकालेंगे तो तीन सौ नब्बे बट्टे एक सौ बीस एक सौ बीस का भाग कर देंगे तो एक के बराबर हो जाए एक परसेंट के बराबर और हंड्रेड परसेंट निकालना है तो हंड्रेड का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनको ऐसे काट दीजिए छः दूनी बारह छः से नहीं कट रहा है तीन से कट रहा है ये तीन से काटिए तीन चौक बारह और तीन, बार तीन एकम तीन, तीन तीन तीया नौ चार से काटेंगे सौ को पच्चीस बार पच्चीस गुना तेरह हल्का लीजिए कितना आएगा पच्चीस या पिचहत्तर के पाँच हासिल सात पच्चीस एगुन पच्चीस पच्चीस सौ सात होता है आपका बत्तीस तीन सौ पच्चीस ऑप्शन में देख लीजिए तीन सौ पच्चीस कहाँ है डी में है तो इसका जो आंसर हो गया तीन सौ पच्चीस रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया तो ये समझ में आ गया होगा आपके यहाँ अगर कहता कि तीन सौ नब्बे रुपये में बीस परसेंट का हानि है बेचने पर यानी तीन सौ नब्बे रुपये में कोई वस्तु तो बेची जा रही है तो बीस परसेंट की हानि हो रही है तो इसे अस्सी परसेंट के बराबर माना जाएगा फिर कितने परसेंट के बराबर माना जाए मानेंगे इसे अस्सी परसेंट के इसमें एक का यानी निकालना है एक परसेंट कितना होता है तो अस्सी का इसमें कर देंगे भाग वो हंड्रेड परसेंट यानी किराया मूल्य पूछा तो ऐसे कर लेंगे हल ऐसे तो ऐसे भी आप हल, हल कर लेंगे जब इसमें लाभ की जगह हानि दे दे दो तो। अगला प्रश्न है आपके सामने चालीस व्यक्ति तीस दिनों में दो सौ के चावल खाते हैं इस तरह का प्रश्न देखो दूसरे तरीके से कैसे बना देता है वो कि चालीस व्यक्ति तीस दिन में काम करके दो सौ मेज बनाते हैं लैंग्वेज बदल देगा संख्या बदल दे कोई दिक्कत नहीं है केवल आपको सेंस देखना है कि इसका मेथड क्या हल करने का जैसे कुछ प्रश्नों में बोल देता है कि चालीस व्यक्ति तीस दिन काम करते हैं और प्रत्येक दिन दस घंटे काम करके दो सौ मेज बनाते हैं उस कंडीशन में कैसे हल करेंगे सबका मेथड एक ही है पहले सबसे पहले आप लिखिए इसमें कितने व्यक्ति हैं चालीस गुणा कितने दिन काम कर रहे हैं तीस दिन काम कर रहे हैं गुणा प्रत्येक दिन कितना काम कर रहे हैं ये तो दिन हो गया अब एक दिन में मान लो आठ घंटे काम कर रहा आदमी दस घंटे कर रहा है बारह घंटे कर रहा है ऐसे भी दे देता ना तो आप उसमें दिन का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया केवल आपको दिया गया क्या कि चालीस व्यक्ति तीस दिन में दो सौ के जी चावल खा रहे हैं कितना खा रहे हैं दो सौ के जी चावल और यहाँ मान लीजिए तीस व्यक्ति दिए हैं तो तीस यहाँ लिख लो नोट कर लो ये पाँच सौ चावल खा रहे हैं कितना खा रहे हैं पाँच सौ कितने दिन में खा रहे हैं वो निकालना है एक्स मान लिया दो जीरो से दो जीरो काट दिया तीस से तीस कट गया इधर अब क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको तो दो से काटिए से बीस बार पाँच का गुणा हो जाएगा बीस में और एक्स की वैल्यू निकल आएगी आपकी तो एक्स बराबर हो जाए बीस पंजे सौ तो देखिए यहाँ आपका आंसर सौ है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जैसे मान लीजिए मैं आपको जो प्रश्न बता रहा था चालीस व्यक्ति हैं तीस दिन में प्रत्येक घंटे आठ घंटे काम करके प्रत्येक दिन आठ घंटे काम करके दो सौ मेज बना देते हैं इसी प्रकार से तीस व्यक्ति प्रत्येक दिन दस घंटे काम करके पाँच सौ मेज बनाने में कितना समय लेंगे तो वो आपको निकालना है तो मान लीजिए दिन आपने पहले तो आपने लिखे आदमी यहाँ पर फिर लिख लिया इसमें कितने दिन ले रहे हैं तीस दिन प्रत्येक घंट प्रत्येक दिन में क्या घंटे काम कर रहे हैं आठ दिन कर रहे हैं आठ घंटे यहाँ यानी कि चालीस व्यक्ति तीस दिन में आठ घंटे काम करके प्रत्येक दिन 200 मेज बना रहे हैं और पूछा उन्होंने कि 500 मेज बनाने में कितना उनको समय लगेगा कितने आदमी 30 आदमी और 10 घंटे प्रत्येक दिन काम करके मान लीजिए उन्हें एक से दिन लग रहे हैं इस तरह से समीकरण को हल कर लेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ दूसरा जो प्रश्न बनता है वो इससे आप हल करके निकाल सकते हैं जैसे जीरो से जीरो कट जाएंगे तीस से तीस कट जाएगा एक जीरो से एक जीरो कट गया और दो से काट देंगे इसे दो बार आठ धुनी सोलह तो सोलह दिन में ये जो है पाँच सौ मेज बना देंगे दस घंटे प्रत्येक दिन काम करके इस तरह के प्रश्न बनते हैं ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आपसे यूनिट से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि एक ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं और किलोग्राम को लिखने का तरीका देखिए बहुत अच्छा उन्होंने दिया है एक ग्राम को जब किलोग्राम बनाते हैं तो एक हजार का कर देते हैं इसमें भाग क्या कर देते हैं एक हजार का भाग कर देंगे इसमें तो ये ऑप्शन सही हो गया और एक हजार का जब एक में भाग करते हैं तो उसका जो आंसर आता है पॉइंट जीरो जीरो वन ये होता ऑप्शन में तो ये भी सही होता और यदि ये या दस की घात अगर बनाएंगे से तो एक बटे दस की घात बनेगा तीन अगर ये ऑप्शन में होता तो ये भी सही होता और यदि इसको अंश में ले जाएंगे हर की घात को तो दस की घात यह ऊपर जाके हो जाती है माइनस की ये भी ऑप्शन में होता तो ये भी सही होता तो आपका ऑप्शन में देखो ये दिया है ये सही हो गया ए और बी इसमें देखिए चार अंक वाला पॉइंट है और यहाँ हम तीन अंक वाले लिख रहे हैं इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर एक ग्राम में एक हज़ार किलोग्राम नहीं हो सकते ये गलत हो गया तो समझ में आ रहा होगा यहाँ आपका केवल ए और बी दो सही हैं तो इसके लिए ऑप्शन ए बी वाला ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लेकिन यहाँ इसी पर आधार प्रश्न आपसे पूछ ले कि एक सेमी में कितने मीटर होते हैं उसमें भी आपको ऐसी बना के दे दें तो वो भी आप देख लेंगे अब देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है एक बार पूछा भी गया ये, से एक, एक बटे दो में कितने आधे हैं आधे का मतलब एक बटे दो के कितने इसमें पार्ट बनेंगे इसे जब हल करते हैं दो एकम दो और एक तीन बटे दो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आधे पूछे हैं तो इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही कभी कभी पूछ लेता है कि एक बटे जैसे ये संख्या दी है इसमें आधे ना पूछ करके चतुर्थांश पूछ ले इसमें कितने चतुर्थांश हैं तो इसमें चार का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो और जो आंसर आ जाएगा छः ये आपके चतुर्थांश हो गए इसे देखो दूसरे माध्यम से समझ लीजिए कि आपके पास दो एप्पल हैं दो सेब हैं अब उसने पूछा कि दो सेब हैं इनको आधा आधा कर देंगे तो कितने लोगों को दे सकते हैं तो आधा आधा कर देंगे तो चार टुकड़े हो जाएंगे चार लोगों को हम इसे दे सकते हैं तो इसने पूछा कि दो में कितने आधे हैं तो कहेंगे दो में चार आधे हैं और ये पूछ लेता दो में कितने चतुर्थांश हैं तो दो में कितने चतुर्थांश हैं ये एक ये हो गया और एक ये हो गया अब चतुर्थांश कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ चतुर्थांश हो गए यानी कि आप चतुर्थांश ज्ञात करेंगे तो चार का मल्टीप्लाई कर देंगे आधे आधा ज्ञात करेंगे तो उसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप समझ गए होंगे और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि तीन अर्ध समकोण में कितने अंश का कोण बनेगा तो तीन अर्धकोण अर्ध समकोण में तो तीन गुणा समकोण बोलते हैं से अर्ध का मतलब आधा इसे हल कर लेंगे पैंतालीस पैंतालीस दिया एक सौ पैंतीस तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लेता है समकोण पे भी आधारित प्रश्न पूछ लेता है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर इस तरह के प्रश्न दिए हो x प्लस एक बटे एक्स यहाँ कुछ भी दिया हो और एक्स स्क् प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो संख्या दी गई है पांच आपको इसका कर लेंगे वर्ग माइनस दो पच्चीस में से दो गए तो बचे आपके तेईस ऑप्शन सी इसमें सही हो जाता है तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी सही हो जाता है इसी प्रकार से मान लीजिए यहां संख्या चेंज कर दे पांच की जगह पे सात कर दे तो आंसर क्या आएगा सप्त उनचास माइनस दो यानी वर्ग करके दो घटाना आपको तो कितना हो जाएगा सैतालीस अगर मान लीजिए यहाँ पर स्क्वेयर की जगह क्यू दे दे तो उसको आप अपने फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल क्यू जब करते हैं तो उससे आता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस थ्री ए बी ए बी में ए एक्स एक्स कट जाती है एक्स प्लस एक बटे एक्स ये बनता है इसमें इसकी वैल्यू आपको पांच दी गई है तो पांच का क्यों करेंगे तो एक सौ पच्चीस होता है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तीन ये रहेगा और एक्स प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू कितनी है पांच तो पांच दिया पंद्रह तो इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा कि दो का है तो करके आपको दो घटाना है और तीन घात दिए यहां तो आपका इसको क्यू कर देंगे और क्यूब में से फिर घटा देंगे कितना तीन गुणा जो संख्या दी गई है वो तो पाँच या पंद्रह होता है पंद्रह घटा दीजिए इसमें से एक सौ पच्चीस में से तो एक सौ दस बचेगा वो आंसर हो जाएगा तो डिपेंड करता है आपसे प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है उस तरह से आप उसे हल कर लेंगे और उसका आंसर दे देंगे इसमें कोई परेशानी की बात ना होनी चाहिए देखिए एक प्रश्न ऐसे दिया आपको ये तो मैंने आपको ऐसे मान लिए दिया है कहीं कहीं आपको घात दे देता है जैसे कि दो की घात एक सौ पचास है चार की घात सौ है पाँच की घात ढाई सौ है तीन की घात दो सौ है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में अक्सर तो उनको आप क्या करेंगे कि घात को बराबर करना होता है आप कैसे करेंगे बराबर जैसे डेढ़ सौ है डेढ़ सौ को लिख लेंगे पचास गुणा तीन तो तीन को तो इस पर लगा देंगे दो पे ये आठ की घात पचास बन जाएगा इसी प्रकार से चार की घात सौ है तो सौ को लिख सकते हैं आप कितना पचास गुणा दो तो दो घात तो लगा देंगे चार पे चार चौक सोलह सोलह की घात हो जाएगी कितनी पचास तो देखो इसकी भी पचास हो गई इसकी भी पचास होगी इस तरह से इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि छोटा कौन सा है ये वाला बड़ा कौन सा है ये वाला इस तरह से आपको सबसे मेन उद्देश्य रहेगा आपको घात बराबर करना है तब तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है तो इस प्रश्न में देखते हैं अनरूढ़ दो की घात कितनी है यहाँ पर एक बट्टे दो है इसे हम करते हैं दो की घात छ ऊपर होल पावर एक बटे बारह क्योंकि घात का जब घात में गुणा करते हैं तो छह का गुणा एक बटे बारह में करेंगे तो छह से बारह कट जाएगा दो बार और एक बटे दो यहाँ पर घात है ये इसका मतलब सही है तो इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे और ये जो बनेगा आपका दो की घात छह का मान होता है दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी तो चौसठ की घात बन जाएगी ये आपकी कितनी एक बटे बारह इसी प्रकार से चार की घात जो दे रखी है आपको एक बटे तीन वहाँ भी आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं कि एक बटे बारह यहाँ करने के लिए चार तीन में कितने का गुणा करेंगे बारह हो जाए तो चार का तो चार की घात आप यहाँ अंदर चार कर देंगे तो ये आपका जो है संख्या वही रहेगी जो ये है तो इसे हल कर लेंगे चार चौक सोलह और सोलह चौका चौंसठ और चौंसठ में आप गुणा करेंगे कितने का चार का चोड़ा, चोड़ा चार चक सोलह सोलह चार चौंसठ और चार चक सोलह से एक छः चार चौबीस एक पच्चीस दो सौ छप्पन हो गया इसकी घात एक बटे बारह है दो घात हमने बराबर कर लिए हैं ये इसी प्रकार से पाँच की घात एक बटे चार है पाँच की घात एक बटे चार है इसे भी हम पाँच की घात कितनी करेंगे एक बटे बारह के रूप में तोड़ेंगे तो कितनी बनेगी पाँच ही घात तीन बनेगी कितनी बनेगी पाँच ही घात तीन तो आप यहाँ हल करें इसे पाँच का क्यू कितना होता है एक सौ पच्चीस होता है और यहाँ एक बटे बारह अब रहेगी तीन की घात एक बटे सोलह एक बटे छः हाँ तीन की घात एक बटे छः इसको अगर लिख सकते हैं आप कितनी तीन की घात दो और यहाँ रहेगी घात आपकी एक बटे बारह दो से काटेंगे बारह को छवा काटेगा एक बटे छः ही है इसे हल करेंगे तीन या नौ नौ की घात एक बटे बारह तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे छोटी संख्या देखनी है तो यहाँ नौ है यहाँ चौंसठ है यहाँ दो सौ छप्पन है यहाँ एक सौ पच्चीस है सबसे छोटी केवल आपको संख्या नजर आएगी ये वाली नौ तो नौ का मतलब है तीन की घात एक बटे छः तो जहां तीन घात एक बटे छ होगी वो ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ ये पूछता कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है सबसे बड़ी है दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन का मतलब है चार की घात एक बटे तीन इस तरह से इसको आप हल करके निकाल लेते हैं इसमें तीन ही घात एक बटे छह जहां भी होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा सबसे छोटी संख्या के रूप में दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो छह अनुपात ग्यारह के अनुपात में है इनका एलसीएम दे रखा है आपको तो माशापा ज्ञात करना है बहुत बढ़िया सवाल है और इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इनका लाशा दिया है और मासा दिया है और एक संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या क्या होगी तो उसमें भी आप क्या करते हैं उस प्रश्न के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि एल सी एम इन एच सी एफ लाशा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो इस फॉर्मूले से आप उससे हल कर लेते हैं पहली संख्या जो भी दी हो उसमें और दूसरी संख्या आपको ज्ञात कर लेंगे इसका इसमें भाग करके एल सी एम गुणा एस सी तो यहाँ केवल आपको पूछा गया है कि मासा क्या है इस कंडीशन में जब उनका रेशियो दिया गया है संख्याओं का उस कंडीशन में क्या करेंगे आप उसका मासा ज्ञात करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको चार सौ बासठ आपको दिया है लासा और उनका रेशियो है उनका मल्टीप्लाई कर लिए छह रेशियो में है तो छह गुना ग्यारह का भाग कर देंगे चार सौ बासठ में इससे इसे काटेंगे तो ये बयालीस वार कट रहा है और छह का ऐसे भाग करेंगे कर सात बार कर कट रहा है सात ऑप्शन जहां होगा वो सही हो जाएगा सबसे टॉप तो प्रश्न इस वीडियो का ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है एक बार ऐसे पूछा गया है कि सबसे छोटी रेड़ेतर आवाज संख्या क्या है दोनों का आंसर एक ही है दो कहीं कहीं ऑप्शन मिलेगा आपको क्या एक तीन दो पाँच सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है दो लगाएंगे सबसे छोटी ऋढ़ आवाज संख्या क्या है दो लगाएंगे आवाज संख्या के रूप में पूछेगा सबसे छोटी आवाज संख्या दो ही है इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको एक ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पाई है क्या है पाई एक अपरिमेय संख्या है रट लीजिए इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिए बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है अपरिमेय संख्या है ऑप्शन में दे दिया पाई पाई की वैल्यू लिख दी तीन दशमलव एक चार डॉट डो डॉट डॉट आगे है और एक है बाईस बटे सात पाई की वैल्यू ये भी यूज करते हैं हम लोग और पाई की वैल्यू इसे भी यूज करते हैं और और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं तो आपसे पूछे कौन सी इसमें एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या पूछेगा तो आप इसे कर देंगे ये एक परिमेय संख्या है लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है और इसका जो दूसरा मान मान लेते हैं हम ये वाला ये भी परिमेय संख्या नहीं होती है इसको हम फिक्स नहीं है बाईस बटे साथ थोड़ा लगभग में मानते हैं इसलिए ये परिमेय संख्या बन जाती है तो यहाँ मेरा बताने का मतलब है कि पाई एक परिमेय संख्या है नहीं परिमेय संख्या नहीं है अपरिमेय संख्या है क्या है अपरिमेय संख्या तो पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया है ये आप नोट कर लीजिए अगला प्रश्न है देखिए दो सह अब सह अभाज्य ये अस अभाज्य है यहाँ पर शब्द लेकिन सह अभाज्य बोला जाता है कोई दिक्कत नहीं तो समझ लीजिए सह अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो ऐसी संख्याएं होती जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है जैसे मान लीजिए आपका एक सत्र है और एक मान लीजिए उनतीस मान लिया हमने ये दोनों आपकी सह आवाज संख्याएं हैं इनमें आ, एक दूसरे में कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ऐसी संख्याओं का आप जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है एक आता है तो यहाँ जो पूछा गया है यही पूछा गया है कि सह संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना होता है एक होता है अगला प्रश्न आपके सामने इनका मासा ज्ञात करना है तो जब परिमेय संख्याओं का माशापा निकालते हैं तो अंश भाग का आप निकालेंगे मासा और हर जो दिया उसका लासा। तो अंश भाग में चौदह इक्कीस बयालीस है इसका अगर आप मासा निकालेंगे तो आएगा सात तो अंश में सात कहीं भी नहीं है देखिए इन तीनों में केवल यहीं पे है आप ऑप्शन ए सही कर सकते हैं और कभी कभी पूछ लेता है इसका लाशा पूछे तो जब लाशा पूछना है मासा की जगह लाशा पूछे तो अंश भाग का लाशा निकालेंगे अंश भाग का लाशा और हर का निकाल लेते हैं मासा ये इसका मेथड है कभी कभी ऐसी परिमेय संख्या में पूछ लेता है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है तो कुछ नहीं आप या तो हर को बराबर कर लीजिए या अंश को बराबर कर लीजिए संख्या भाग करके जो भी है या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए इनका इसमें और देख लीजिए कौन सी छोटी संख्या है कौन सी बड़ी संख्या है ऐसे निकाल सकते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है मान लीजिए सरल रेखा है आपके सामने एक ऐसे इसपे बिंदुओं की संख्या पूछी है तो बिंदु तो असंख्य हो सकते हैं असंख्य मतलब कितने भी बिंदु इस पर लाइन पर हो सकते हैं कोई गिनती नहीं है छोट जो बिंदु का कोई आकार नहीं होता ना इसलिए बिंदु छोटा से छोटा भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है बिंदु का कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है इसलिए वो जो है असंख्य एक रेखा पर खींचे जा सकते हैं बिंदु तो आप समझ गए होंगे इसमें पहला ऑप्शन सही है एक बहुभुज के अंत कोणों का योग इक्कीस साठ है बहुभुज होता है उसके अंत कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है टू एन माइनस फोर इंटू यह इसका फॉर्मूला है यह कोणों का योगफल होता है और प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है तो उसमें आप एन का भाग कर देते हैं प्रत्येक अंतः कोण के लिए लेकिन यहां अंतः कोणों का योगफल की बात की है यह आपका है इक्कीस साठ तो आप जीरो से जीरो यहां काट देंगे और नौ से जब भाग करेंगे इसमें नौ दूनी अठारह के बचेंगे आपके तीन और नौ चौक छत्तीस चौबीस हो गया ये चार माइनस का है जब बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो दो एन बराबर हो जाएगा आपका चौबीस और चार अट्ठाइस और एन बराबर हो जाएगा चौदह दूनी अट्ठाईस तो एन की वैल्यू चौदह हो गई इसमें कभी कभी देखो इसमें पूछ लेता है कि इससे संबंधित मैं थोड़ा एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ बहुभुज से संबंधित कि कोई बहुभुज दिया गया है उसमें दिया है कि बहस कौन दिया गया है आपको मान हिमालय साठ अंश का बहस बहस कौन है तो इसके बुझाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कुछ नहीं करना है तीन सौ साठ में इसका भाग कर दीजिए बहस कौन दिया है उसका बहस कौन दिया है बहुभुज का बहस कौन दिया गया है तो उससे आप बुझा ज्ञात करेंगे वैसे भाग कर देंगे तो छः बजे आ गई तो आपका सम सठभ होता है उसका बहेस कौन होता है साठ अंश का और यदि ये मान लीजिए नब्बे अंश का आपका वो है क्या बहेष कौन तो बहेस कौन नब्बे अंश का है तो नब्बे का इसमें भाग करेंगे तीन सौ साठ में तो नौ चक छत्तीस ये चार आ जाएगा यानी कि चतुर्भुज तो कैसे है जैसे वर्ग होता है इसमें चार वजाएं होती हैं ये यहाँ पर नब्बे अंश का कौन होता है अंतर कौन और बाहर जो कौन बनेगा वो किसी भुझा को आगे बढ़ाने वो बहिष कौन होता है ये भी नब्बे बहस का होता है तो ये इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बहस कौन वाला फॉर्मूला क्या है दिया गया पंद्रह सेमी बुझा वाले किसी घन में से तीन सेमी बुझा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं कुछ नहीं करना आप इसका इसमें भाग कर दीजिए पंद्रह में अगर घन की बात की तब बात की बात घन की तो तीन का भाग पंद्रह में देंगे कितनी बार जाएगा पांच बार अब इसका घन कर दीजिए पचम पच्चीस प एक सौ पच्चीस तो आप टोटल एक सौ पच्चीस घन इसमें से काट सकते हैं पंद्रह सेमी भुजा वाले घन में से या फिर आप समझ गए होंगे कि इसका आयतन निकाल लीजिए बड़े वाले घन का और छोटे वाले घन का आयतन निकाल लीजिए और छोटे वाले घन का भाग कर दीजिए बड़े वाले घन में तो घन का आयतन होता भुजा का क्यों यानी पंद्रह गुणा पंद्रह गुणा पंद्रह बटे तीन गुणा तीन गुणा तीन, गुना, तीन। तीन से काटो पांच बार तीन से काटो पांच बार तीन से काटो पांच बार तो वही आ गया पचम पच्चीस पहले एक सौ पच्चीस आंसर आ जाएगा कभी कभी प्रश्न ऐसा बन जाता है आपको कि एक दीवार दी गई है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है आपको क्या दी गई है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो आप बताएंगे उसकी कितनी कि ईंटें लग जाएंगी दीवार बनाने में यदि एक ईंट की बीमा दी गई है कुछ नहीं करना दीवार का आयतन का आयतन बत्ते ईट का आयतन एक ईट का आयतन ये फॉर्मूला लगा लीजिए आयतन तो, तो आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दीवार के लिए यही लगेगा यही एक ईट के लिए लग जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे और ईंटों की संख्या निकाल लेंगे और कई प्रकार से इसमें प्रकार से प्रश्न बन जाता है तो मेथड वही रहता है इसमें के बड़ी का आयतन बटे छोटी का आयतन संख्या ज्ञात कर लेते हैं कभी कभी क्या जीता है कि तीन सेमी बुझा के एक सौ पच्चीस घनों को जोड़ करके एक नया घन बनाया जाता है पिघला करके तो नए घन की भुझा कितनी होगी उल्टा पूछ ले इसी प्रकार से कि एक सौ पच्चीस आंसर आया था ना इसका एक सौ पच्चीस घन है आपके उनकी एक घन की भुजा कितनी है तीन सेमी भुजा वाले एक सौ पच्चीस घनों को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है तो उसकी भुजा क्या होगी तो पंद्रह सेमी होगी वो सिंपली कैसे कि तीन का गुणा कर लीजिए तीन में तीन बार यानी इसका आयतन निकाल लेंगे तीन उनतीस सत्ताईस सत्ताईस का गुणा कर लिया आपने इसमें अब पच्चीस एक सौ पच्चीस का गुणा कर देंगे इसमें और इसका ले लेंगे आप क्या फिर घनमूल ले लेंगे इसका निकल आएगा इसका घनमूल निकल आएगा आंसर आ जाएगा अब देखिए अब आप, आपके सामने प्रश्न दिया गया है इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं तो पी का 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 मतलब आप गुणा लगा लीजिए फिर पी आ गया अब परसेंट हटाएंगे तो एक बटे सौ कर देंगे जो कि बराबर है छत्तीस के पी का पी में गुणा कर देंगे तो पी स्क्र बनेगा सौ का ज़्यादा कर देंगे तो छत्तीस हो जाएगा वर्गमूल ले लेंगे तो इधर पी हो जाएगा छत्तीस सौ का वर्गमूल लेंगे तो साठ हो जाता है तो पी की वैल्यू पूछी है उन्होंने साठ हो जाएगी सिंपल सा प्रश्न है देखिए ये प्रश्न दे रखा है आपको इसमें फॉर हाइट में जो फार्मूला होता है एफ बराबर नौ बटे पाँच गुणा सी तो इसे चलिए थोड़ा करते हैं हल एफ की वैल्यू हमें निकालनी है नौ बटे पाँच गुणा सी की वैल्यू है सैंतीस प्लस बत्तीस तो आप इसे जब हल करेंगे नौ का भाग करेंगे सैंतीस में तो आएगा नौ पाँच सत्ते पैंतीस पैंतीस और दो बचेंगे बीस हो जाएंगे पॉइंट लगाएंगे तो और पाँच चौक बीस प्लस बत्तीस अब इसमें आप कर दीजिए नौ का मल्टीप्लाइज नौ चौक छत्तीस हासिल तीन नौ सात तिरसठ और तिरसठ और तीन छियासठ बत्तीस इसमें जोड़ देंगे तो बत्तीस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा छ दो आठ छ तीन नौ और दशमलव छ अट्ठानबे दशमलव छः और वो भी फॉरन हाइट तो में आएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा चलते हैं अगले प्रश्न की ओर ये आपका कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट हाइट में कभी कभी आपसे कैलमिन में पूछ लेता या कैलमिन से सेल्सियस से में पूछ ले ये सब आपको आना चाहिए हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है त्रिभुज को बनाने के लिए केवल तीन कंडीशन होती हैं कौन कौन सी कंडीशन होती हैं आप देख लीजिए दी गई हैं दो कोण एक भुजा केवल तीन बुझाएँ दो भुजा बुझा और उनके बीच का कोण इस कंडीशन में आप बना सकते हैं त्रिभुज और इस कंडीशन पे आप त्रिभुज नहीं बना सकते हैं तो इसका जो है आंसर ये हो जाएगा केवल तीन कौण दिए हों हम त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं आठ पेन का क्रय मूल्य छ पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि हम आठ पेन जितने रुपए में खरीद रहे हैं उतने रुपए हमें छह पेन से मिल जाते हैं तो दो पेन हमारे पास बचेंगे लाभ के क्योंकि हमें जितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं आठ पेन में वो हमें केवल छह पेन से ही प्राप्त हो जाता है छह पेन बेच देंगे तो हमारा जो लागत थी वो निकल आती है केवल दो पेन बचेंगे हमारे पास वो लाभ के हैं तो अब लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो लाभ जब भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य से निकालते हैं और छह पेन का विक्रय मूल्य बराबर किसके है क्रय मूल्य के तो नीचे छ लगा देंगे गुणा हंड्रेड कर देंगे अब इसे हल करेंगे दो से भाग करेंगे छ में तीन बार और तीन का भाग सौ में करेंगे तो तेतीस से एक बटे तीन आता है तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन ए देखिए यहां भी एक थ्योरम होती है किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जो बुझाएँ होती हैं उनकी जैसे तीन बुझाएँ होती हैं तीनों बुझाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो एक ट्राइंगल बनता है इस ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक बटे चार होता है क्योंकि इसमें चार त्रिभुज आपको नज़र आ रहे होंगे एक दो तीन चौथा बीच में तो चारों त्रिभुज एक समान है क्षेत्रफल में चारों एक दूसरे से क्षेत्रफल में समान है इसलिए अगर हम कहें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक बट चार भाग है तो और इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है पंचभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए मैंने अभी आप बताया था फॉर्मूला टू एन माइनस फोर समकोण कौन। अंता कोणों का योग फल यो होता है और प्रत्येक अंता को लगा देते हैं बस यही तो था तो इसमें एन की वैल्यू कितनी है पंच पंच माने पाँच तो पाँच दो दस दस में से चार गया तो छः गुणा नौ नब्बे इसका हल करेंगे तो नौ छः चौवन एक जीरो यानी पाँच सौ चालीस ऑप्शन नंबर डी में है ये सही हो जाएगा डी यहाँ देखिए आपको दिया गया इन्होंने कि ए बटे तीन बराबर बी बटे चार बराबर सी बटे सात तो इसका मन पूछा है तो ए की वैल्यू तीन है बी की वैल्यू चार है सी की वैल्यू सात है ये आप मान के चलिए शॉर्ट ट्रिक में कि इसे मान के चलेंगे तो आप इसे हल कर सकते हैं तो देखिए ए की वैल्यू तीन लगा लीजिए बी की वैल्यू चार सी की वैल्यू सात बट्टे सी की वैल्यू नीचे सात सात और तीन दस और चार चौदह बट्टे सात इसे काट दीजिए दो बार आंसर दो आ गया इसकी वैल्यू कितनी हुई दो दो ऑप्शन सी में है आंसर सी सही हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सही कथन छाटना है देखिए दो अभाज्य संख्याओं का योगफल मान लीजिए दो अभाज्य संख्याएं जैसे पाँच है एक साथ है दो अभाज्य संख्याएं हैं इसमें किस संख्या का भाग नहीं जाएगा इनका योगफल कर लीजिए सात और पाँच होता बार है बारह सदैव अभाज्य संख्या होती है बारह अभाज्य संख्या है नहीं क्योंकि ये सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है इसमें दो का भाग चला जाएगा तीन का भाग चला जाएगा छ का भाग चला जाएगा तो आपकी संख्या भाज्य हो गई अभाज्य नहीं है तो पहला ऑप्शन हो गया गलत एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है तो एक भाज्य संख्या देखिए मान नौ संख्या ऐसी है, है जो कि भाज्य संख्या है, इसमें तीन का भाग चला जाता है तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे लेकिन ये सम विषम भी है ये संख्या विषम भी है तो हो सकती है कोई गलत नहीं है ये सही कथन है अगली स्टेप में देखेंगे और देख लेते हैं सी और डी में क्या कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है मैंने आप, आपको भी पिछले प्रश्न में एक में बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है लीजिए ये एग्जाम में प्रश्न में कहीं ना कहीं घुमा के दे देता है और डी ऑप्शन जो कह रहा है आपका कोई सम संख्या नहीं है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है तो देखिए इसमें सम संख्या होती है आपकी दो और दो को हम आवाज संख्या भी कहते हैं यह कह रहा है नहीं होती है लेकिन होती है दो एक सम संख्या है और आवाज संख्या भी है तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया केवल आपका ये हो गया बी सही अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया इस तरह से आपको कोई समीकरण देता है आप उसे सिंप्लीफिकेशन uh, करके सरल करके उसे एक्स का मान निकालना है निकाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है नौ को लिखते हैं तीन की घात दो ऊपर घात टू एक्स माइनस वन और दो की घात पांच को लिखते हैं दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस माइनस पांच इसे हल करेंगे तो तीन की घात कितनी हो जाएगी दो दुनी इसका इसमें गुणा कर देंगे घात का घात में गुणा कर देते हैं तो इसका गुना तो दो दूनी चार एक्स माइनस दो बराबर यह हो जाएगा आपका सत्ताईस जो कि बराबर होता है तीन की घात तीन तीन नौ नौते सत्ताईस देखिए आधार समान है दोनों के तो घात भी बराबर होने चाहिए तो फोर एक्स माइनस टू बराबर थ्री के हो जाएगा फोर एक्स बराबर आगे थ्री ये माइनस का दो है ना तो बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का दो हो जाएगा तीन और दो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा इधर प्लस का पाँच है फोर एक्स बराबर फाइव इस इधर ले जाएंगे इसी तो ये बट्टे में चार आ जाएगा यहाँ पर तो पाँच बटे चार यहाँ भी होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पाँच बटे चार प्लस का अगला प्रश्न है आपके सामने पहले संख्या तीन सौ पचास को बीस परसेंट बढ़ाया फिर बीस परसेंट कम कर दिया कम कर दिया है तो समझ लेंगे अपने आप से अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा तो जब 20 परसेंट की आप वृद्धि कर दें उसमें फिर 20 परसेंट की कमी कर देंगे या ऐसे प्रश्न कोई भी बन जाए कि 10 परसेंट की वृद्धि कर दी 10 परसेंट की उसमें फिर कमी कर दी ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है और हानि के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका जितनी परसेंट है उसके बट्टे दस लगा दीजिए और उसका होल वर्क कर दीजिए तो क्या करेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा केवल चार परसेंट आपका आंसर आ जाएगा ये हानि होती है हमेशा क्या होती है हानि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है ग्यारह और अठारह मान लीजिए पहली संख्या एक्स है दूसरी संख्या वाई है तो इनका योगफल एक्स प्लस वाई बराबर उन्होंने दे दिया ग्यारह और x इन बाई यानी गुणनफल दे दिया उन्होंने अठारह इनके व्युत क्रमों का योग पूछ रहा है क्या पूछ रहा है योग तो व्युत क्रम का योग तो मान लीजिए व्युत क्रम होता है एक्स का एक बट्टे एक्स और बाई का एक बट्टे बाई व्युत क्रम होता है इन दोनों का योगफल पूछा है तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका एक्स वाई ऊपर आएगा आपका एक्स प्लस बाई क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस का ऐसे करके गुणा तो आप समझ रहे होंगे कि एक्स प्लस वाई ऊपर या वाई प्लस एक्स आएगा तो आप समझ रहे एक्स प्लस वाई की वैल्यू ग्यारह दी उन्होंने तो यहाँ ग्यारह लिख लेंगे बट्टे एक्स वाई एक्स की वैल्यू कितनी है अठारह तो ग्यारह बट्टे अठारह ग्यारह बट्टे अठारह ऑप्शन डी में है ये आपका सही हो जाएगा ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में बढ़िया प्रश्न है ये दो तीन बार परीक्षा में आ चुका है यदि किसी भिन्न के अंश को 20 परसेंट कम कर दिया जाए भिन्न लीजिए जा आपकी एक्स बटे बाई है तो एक्स में अगर आप माली बीस परसेंट की कमी कर देंगे तो वो अस्सी हो जाएगी सौ में से बीस कम कर दी तो अस्सी हो जाएगी और इधर दस परसेंट बढ़ा दिया हर को तो वो सौ से एक सौ दस हो जाएगा हर बाई और ये कितना हो जाता है सोलह बटे पचपन तो अब भिन्न क्या है तो जीरो से जीरो कट गई आठ दूनी सोलह और ग्यारह पन्ना पचपन यानी कि x बटे बाई की जो वैल्यू आ गई आपकी दो बटे पाँच आ गई ये आपका आंसर हो गया इसका दो बटे पाँच इस तरह के भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए कहीं बीस परसेंट बढ़ाया है कहीं कम किया है या यहाँ बीस की जगह संख्या चेंज कर दी पर यहाँ केवल आपको दो चीज़ मिलेगी अंश में वृद्धि या कमी हर में वृद्धि या कमी और संख्या चेंज हो सकती हैं जैसे बीस है, है यहाँ दस कर दिया पाँच कर दिया बीस यहाँ दस की जगह पंद्रह कर दिया बीस कर दिया पच्चीस कर दिया तीस कर दिया ऐसे करके संख्या चेंज हो जाती हैं बाद बाकी आपका मेथड वही रहेगा जो हम बता रहे हैं आपको ठीक है इस तरीके से आप इसे हल कर लेंगे कोई धन साधारण ब्याज की दर से आठ वर्ष में दोगुना हो जाता है देखिए यहाँ साधारण ब्याज की बात की गई है तो आठ वर्ष में दोगुना हो जाता है इसका मतलब समझ रहे हैं कि आठ वर्ष में उसे ब्याज कितना मिल रहा है एक्स मूलधन उसका एक्स है आठ वर्ष में उसे एक्स ब्याज मिल जाएगा तभी तो कहेंगे जोड़ करके ये डबल हो गया है पूरा आठ साल में टू एक्स हो गया यानी डबल हो गया इसका मतलब ये हुआ और ये समझ जाइए उन्होंने पूछा चार गुना होने में कितना समय लगेगा तो साधारण ब्याज है आठ साल में उसे एक्स ब्याज मिल रहा है तो अगले आठ वर्ष में भी ब्याज कितना मिलेगा एक्स फिर अगले आठ वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा x तो तीन गुना ब्याज हो गया और एक मूलधन हो गया टोटल चार गुना हो जाएगा आठ या चौबीस साल में तो आप इसे समझ गए होंगे कि चौबीस साल में ये चार गुना हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा चार गुना तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है इसका लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ आपको दे देगा चक्रवृद्धि ब्याज से तो समझ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे कि आठ वर्ष में वो दो एक्स हो जाता है पहले का दोगुना हो जाता है फिर अगले आठ वर्ष में जो है यहां पर उसका दोगुना फिर हो जाता है तो तो हो जाएगा तो केवल और सोलह तो वर्ष में ही ये चक्रवृद्धि ब्याज से चार गुना हो जाएगा इस तरह से आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कभी साधारण ब्याज पर पूछ लेता है तो कभी चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछ लेता है ये आप समझ जाइए त्रिभुज का पहला कोण निकालना है आपको तो क्या करेंगे सबसे पहले एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है एक सौ अस्सी बट्टे इन सबको जोड़ लीजिए ये हो जाएगा नौ नौ का इसमें भाग कर दीजिए कितना आएगा नौ धुनी अट्ठारह यानी बीस आया इनका एक अनुपात पर तो आपको दो अनुपात दिए पहले में तो बीस धुनी चालीस हो जाएगा और दूसरे में तीन अनुपात दिया है तो बीस दिया साठ हो जाएगा तीसरे में चार दिया है तो चार धुनी आठ हो जाएगा ये आपका आंसर आ गया चालीस साठ अस्सी चालीस साठ अस्सी आपका सी ऑप्शन में दिया गया है सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कोई सोचने की बात नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा चलते हैं अगले प्रश्न की ओर गर्द की प्रकृति कैसी है गर्द की प्रकृति अथवा नेचर तो वो तार्किक है कैसा है तार्किक कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है इन में से तो बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है वो समांतर माध्य है माध्य का है बहुलक है ये केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित हैं और परास केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है इसके सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी देखो घात का घात में हम गुणा करते हैं तो माइनस एक घात है और माइनस एक घात है तो माइनस एक घात और माइनस घात प्लस हो जाएगी और दो की घात एक बराबर दो हो जाएगी इसको आप संख्या बोलते हैं यस बोलते हैं देख लीजिए एक बार यहाँ पे कि आप जो देख रहे हैं ये दो एक समसंख्या है है दो का गुणज है आवाज संख्या है है, है? है। यानी दो आवाज संख्या भी है समसंख्या भी है दो का गुणज भी है सिंपल सी बात तीनों ऑप्शन सही हो गए ए बी सी पार्ट ए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अगला प्रश्न है आपके सामने यदि तो किसी वर्ग के विकर्ण को दो गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है अगर क्षेत्रफल वर्ग का निकालेंगे हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है मान लो डी उसका विकर्ण है तो डी स्क्र अपॉन टू होता है क्या होता है डी स्क्र अपॉन टू और इसका विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए यानी कि d की जगह हम 2d कर दें तो उसका क्षेत्रफल क्या हुआ है तो इसका वर्ग करके दो रख देंगे नीचे हल करेंगे तो जाएगा दो दुनी चार डी स्क्र बट्टे दो तो पहले क्षेत्रफल था आपका डी स्क्र बट्टे दो अब कितना है डी स्क्वेयर बट्टे दो का चार गुना हो गया है यानी कि अगर विकर्ण को दोगुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल भी चार गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा चार गुना तो ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन सा है ऑप्शन नंबर ए एफ एक व्रत की जीवा है तो मान लीजिए कोई आपका एक व्रत दिया गया यहां पर और इसमें एक जीवा दी गई है और केंद्र दिया मान लीजिए यहां पर इस जीवा की लंबाई कितनी है दस है पूरी दस है लेकिन मान लीजिए यहाँ से इस पर केंद्र से इस पर एक लंब डाल दिया जाए तो ये आधा रह जाता है पाँच इधर रह जाएगा और पाँच इधर रह जाएगा तो अब उन्होंने क्या कहा है व्रत की त्रिज्या आपको दे रखी है मान लीजिए व्रत की त्रिज्या ये है परिस से केंद्र की दूरी कितनी है त्रिज्या तेरह है तो इसका केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी ये केंद्र से जीवा की दूरी ये लम्ब डाला गया ये वाली होती है तो अब आप इसमें पायता गोरस स्प्रे में लगा दीजिए कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है ये हमने मान लीजिए एक्स मान ली तो आधार का वर्ग और लम्ब का वर्ग तो मान लीजिए आधा तो ये पाँच हो गया यहाँ से यहाँ तक का पूरा दस था लेकिन ये आधा है यहाँ तक जो लंब डाला जाता केंद्र से वो जीवा को समितिभाजित करता है ये आप जानते होंगे और जो जीवा की दूरी है केंद्र से वो एक्स मान लिया हमने तो इसका वर्ग कर लेंगे तेरह का वर्ग एक सौ उनहत्तर होता है और पाँच का वर्ग होता है पच्चीस बराबर से लेफ्ट हैंड में ले आए तो माइनस का हो गया है एक सौ उनहत्तर में से पच्चीस घटाएंगे तो बचेगा एक सौ चवालीस बराबर एक्स स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो एक सौ चवालीस का वर्गमूल होता है बारह तो एक्स बराबर बारह आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू बारह आ गई यही हमसे पूछी है बारह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर एक व्रत की पर्दी चवालीस सेमी है परदी होती है टू पाई आर तो ये चवालीस के बराबर दी है उन्होंने तो टू पाई की वैल्यू बाईस बटे सात आर बराबर चवालीस तो बाईस दूनी चवालीस 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 कैंसिल एक बार और सात को गुना एक में कर देंगे तो आर बराबर आ जाएगा आपका कितना सात इसमें पूछा उन्होंने क्षेत्रफल कितना होगा तो पाई आर स्कियर होता है पाई आर स्कियर इसमें आर का मान लगा दीजिए हल हो गया आ जाएगी नहीं तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं के टू पाई आर की वैल्यू कितनी दी गई आपको चवालीस दी गई है तो दो से इसे नहीं वही सही तरीका है सात आ गया था इसका आंसर तो पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला पाई की वैल्यू बाईस बटे सात गुणा आर स्क्वायर आर की वैल्यू सात तो दो वाले देंगे एक साथ से एक साथ कर जाएगा सात धूनी चौदह सात धूनी चौदह एक पंद्रह एक सौ चौवन सेमी स्क्वेयर तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर प्रथम पांच धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग है ये तो हमने अभी बताया था पिछले कुछ ही प्रश्न में कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे तो रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य संख्याएँ तो पहली आवाज संख्या होती है दो जो कि सबसे छोटी आवाज संख्या है पूछी जाती है एग्जाम में हर बार तो दो के बाद अगली अभाज्य संख्या तीन होती है फिर होती है आपकी पांच फिर होती है सात फिर होती है ग्यारह इन सब का योग पूछा है तो योग कर लेंगे कैसे करेंगे तीन और दो पांच पांच और पांच दस दस और सात सत्रह सत्रह और ग्यारह अट्ठाईस इस ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन में है आपका अट्ठाइस सी ऑप्शन सही हो जाता है यहां देखिए आपसे पूछा है इनका पूछा योग हो सकता है सम संख्याओं का पूछ ले विषम संख्याओं का योग पूछ ले योग की जगह समांतर माध्य पूछ ले सम संख्या पाँच सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा पाँच विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा पांच रूढ़ संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा ऐसे भी पूछ सकता है आप इसे देख लेंगे किसी घनाभ की तीन संलग्न फलकों के क्षेत्रफल दिए गए हैं मान लीजिए पहली जो फलक है आपकी उसकी क्षेत्रफल एल बी है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है ना क्षेत्रफल तो एल बी ये आपका ए दिया है बी एच बी दिया है और एच एल ये दिया है सी समीकरण एक मान लीजिए समीकरण दो मान लीजिए ये समीकरण तीन मान लीजिए यानी कि जो ए बी सी हैं वो किसी घन के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल है अब कैसे समझेंगे घन की कौन सी सतह हैं देखिए मान लीजिए देखिए इस तरह से समझिए कि ये आपका देखिए घन दिया इन्होंने ऐसे तो इस पे एक पर एक कोने पर मान ली ये आपका कोना ये वाला हमने ले लिया ये इस कोने पर तीन आपकी सतह जुड़ रही होंगी एक तो इधर वाली सतह ये वाली और एक इधर से जो जुड़ रही है ये वाली और एक इधर वाली जो है ऊपर जो है ये तीन सतहें इस पर जुड़ी हुई हैं तीनों सतहों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे आप तो कैसे निकालेंगे देखिए ये घन के ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई हो गई तो लंबाई गुना चौड़ाई एक सतह हो गई ये वाली सतह अब बी एच चौड़ाई कितनी थी आपकी ये बी ऊंचाई कितनी है एच तो ये वाली आ गई और एच एल एच ये है और एल ये है तो ये वाला तीनों आ गया आपके इसमें अब आपको इसमें हल करके बताना है कि इसका आयतन क्या होगा तीनों को आपस में गुणा कर लीजिए इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो देखो L इंटू एल एल स्क्वेयर आ जाएगा ऐसे ही बी स्क्र और एच स्क्र तो हम तीनों का कॉमन लिख देते हैं एल बी एच का होल स्क्र सब इसमें दो दो बार आए इसलिए हमने दो घात कॉमन लगा दी सबकी और ये ए बी सी अब ये स्क्वेयर है यहाँ से इसे हटाएंगे तो इधर जाके वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा ये ये यहाँ वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा एल बी एच को ही हम कहते हैं आयतन क्या बोलते हैं आयतन तो ये देख लीजिए अनुड़गंधर ए बी सी किस में है और इसका जो है मीटर क्यूब यूनिट होती है तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा इसमें सी अनुगंधा ए बी सी मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा इसका देखिए वही प्रश्न फिर आ गया इसका मान है तो देखिए घात का घात में गुणा करते हैं ना तो इस घात का गुणा इस घात में करेंगे तो माइनस एक गुणा माइनस एक प्लस एक हो जाएगा फिर माइनस एक माइनस एक करेंगे तो प्लस एक हो जाएगा और दो की घात एक होगी तो दो ही रहेगा यानी ये, ये माइनस दो है उसकी घात ऑल ओवर ये जो सब लगे इन सब का मान एक हो जाएगा और बराबर ये माइनस का दो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा वहाँ पीछे जो दिया गया था कि सम है दो का गुणज है अभाज्य है ऐसे दिया था ना। है ना इसमें देखिए कौन बी सत्तर अंश है सी साठ अंश है ई बी सी का मध्य बिंदु है जो ई e है इसका मध्य बिंदु है और ए बी का मध्य बिंदु एफ दिया गया है तो एक प्रमेय होती है कि जब किसी की बुझाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं ये एक और दो बजाव के मध्य बिंदु मिलाएंगे और इस तरह से मिला देंगे तो ये दोनों त्रिभुज एक ये वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज ये दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं समरूप का मतलब समझते हैं आप इनमें कौन समान रहेंगे तीनों ये कौन इसके बराबर ये कौन इसके बराबर तो आप समझ गए होंगे इसमें अब कि जो कौन पूछा उन्होंने एफ ई बी ये एफ ई बी ये वाला इसके बराबर है साठ अंश के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें गई आकृति में एक्स और बाई के मान क्रमशः हैं तो देखिए अस्सी दिया इधर और ये यहाँ पे बाई है तो बाई और अस्सी दोनों बराबर होंगे क्योंकि शीर्षा विमुख कौन है जब दो रेखा आपस में ऐसे काट रही हूँ ये कौन आपको दिया है अस्सी का तो इसके शीर्ष के विमुख में जो कौन होता है वो अस्सी का ही होगा इसे शीर्षा विमुख कौन कहते हैं तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई अस्सी तो आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो ही गए बी और सी अब देखेंगे आप किस में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एक सौ होता है तो ये आपका अस्सी है लिख लीजिए प्लस ये पचास है हो गया पचास और ये एक्स तीनों एक सौ अस्सी के बराबर होनी चाहिए तो आप देखिए हल करके से तो एक सौ तीस हो गया एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180 130 कितना बचा? सौ अस्सी माइनस एक में ही है देखो 50 और 80 X की वैल्यू 50 आ गई और बाई की वैल्यू 80 आई थी ऊपर चलिए अगला प्रश्न आपके सामने किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती गलत दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती हैं अनंत होती हैं केवल एक परिमेय संख्या होती है भाई एक नहीं अनंत होती हैं। अनंत परिमेय संख्या होती हैं, हाँ ये सही है आपका केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती ये भी गलत है तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाता है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपको दिया गया है इसमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मान लो ए प्लस बी की वैल्यू आप सी और इसके साथ आप मान लेंगे के क्योंकि आगे के दिया है ना इसके नीचे आप एक मान लीजिए के के यहां पे आपने एक मान लिया इन दोनों समीकरणों को लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके तो जो समीकरण बनेगा आपका कैसे बनेगा ए प्लस बी बराबर सी के और इससे जब निकालेंगे इसका तो बी प्लस सी बराबर ए के इससे निकालेंगे तो सी प्लस ए बराबर बी के अब तीनों को जोड़ दीजिए आप यहाँ तो देखो डबल ए हो जाएंगे ए के और ए के दो ए दो बी दो सी तो दो हमने ले लिया कॉमन और बच्चे का ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसमें से के कॉमन आ जाएगी और ब्रैकेट में क्या बचेगी बराबर के कॉमन ले लिया हमने यहाँ से बचेगा ए प्लस बी प्लस सी ये से कर जाएगी के की वैल्यू दो समझ गए होंगे आप बहुत सिंपल प्रश्न है दो अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग नौ है इस तरह का प्रश्न लगभग परीक्षा में हर वर्ष पूछा जा रहा है एक वर्ष छोड़ करके नहीं तो हर वर्ष पूछा जा रहा है आपके टेट में यदि संख्या में सत्ताईस जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है वह संख्या है कुछ नहीं करना आपको इसमें वेरीफाई कर लीजिए केवल देखिए अंकों का योगफल तो सब जगह नौ बैठ रहा है सात दो नौ छः तीन नौ छः तीन नौ पाँच चार नौ इससे तो आप कुछ पाएंगे नहीं इसमें अब सत्ताईस जोड़ दीजिए प्रत्येक संख्या में और सत्ताईस जोड़ने पर संख्या उलट जाए तो समझो तो इसमें छत्तीस में आप सत्ताईस जोड़िए केवल छ और सात कितना होता है तेरह हाथ से ले तीन और दो पाँच एक हाथ से छत्तीस का उल्टा कर देंगे तेरसठीक होता है अंक अंक बदल गए दहाई का इकाई पे इकाई का दहाई पे और कहीं नहीं ऐसा होगा केवल इसी में ही होगा ऐसा ठीक है तो आप समझ गए होंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है कौण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक के बराबर है तो यहां मैं आपको बता दूँ ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कहीं कोट पूरक शब्द यूज किया जाता है कहीं संपूरक यूज किया जाता है कोट पूरक उसे कहते हैं कि जब दो कोण आपस में उनको जोड़ दिया जाए वो नब्बे अंश हो जाएं तो एक दूसरे के वे कोट पूरक कहलाते हैं जैसे कोई कोण आपको दे दिया है पैंतालीस इसका कोट पूरक आपको निकालना है तो नब्बे में से आप इसे घटा देंगे पैंतालीस को जो आंसर आएगा वो इसका कोट पूरक कोण कहलाता है तो देखिए ये कोण है इसका कोट पूरक कोण कितना गया पैंतालीस यानी ये दोनों बराबर हैं. तो वही पूछा उन्होंने अपने कोट पूरक के बराबर है ऐसा कौन सा कोण है वो पैंतालीस है पैंतालीस अपने कोट पूरक कोण के बराबर होता है और कहीं कहीं पूछ लेता है संपूरक संपूरक का मतलब है कि 180 अंश दोनों को जोड़ के हो जाता है जैसे मान लीजिए कोई आपका कौन दिया है अस्सी इसका संपूरक क्या होगा तो सौ होगा तभी तो जोड़ेंगे दोनों को तभी तो एक सौ अस्सी अंश होगा और ऐसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा कोण है जो अपने कोण के बराबर है तो वो होगा नब्बे क्योंकि नब्बे का आगा संपूरा कॉल निकालेंगे तो नब्बे ही आएगा अगला प्रश्न आपके सामने यदि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पंद्रह है तो एन का मान है तो देखिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा उन्होंने माध्य दिया है तो योग बट्टे एन ये पंद्रह दिया गया है तो इसमें एक और फॉर्मूला लग जाता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के लिए समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन प्लस वन वटे दो बराबर पंद्रह के दे दिया उन्होंने तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई पंद्रह तीस तीस में से एक कम हो जाएगा तो एन बराबर हो जाएगा उनतीस इसमें उनतीस संख्याएं हैं इनका अगर समांतर मात्र निकालेंगे तो पंद्रह आएगा कि इसमें समांतर मात्र का जो फॉर्मूला भी आपका लिखा है, चेक कर सकते हैं उनतीस और एक तीस का आता पंद्रह तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया ऑप्शन इसमें हो जाता है डी सही उन्तीस देखिए राधिका ने इतने रुपए में एक कार खरीदी अगले वर्ष इसकी कीमत दस परसेंट गिर गई पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत बारह परसेंट और गिर गई तो दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है तो इसका जो मैं आपको बता दूं जो क्रम से जैसे कहते हैं कि दस परसेंट का बट्टा लगेगा और फिर बाद में बारह परसेंट का बट्टा और लग जाएगा उसमें क्रमिक बट्टा जो होता है आप समझ गए होंगे क्रमिक बट्टा कि एक बट्टा दस परसेंट का है, दूसरा बारह परसेंट का दोनों के समतुल्य कितना बट्टा होगा ऐसा प्रश्न अगर पूछ दिया जाए या ये दे दिया या मान लीजिए ऐसे बोल दिया जाए कि एक आपका आयत है इसकी लंबाई में दस परसेंट की कमी कर दी जाए चौड़ाई में बारह परसेंट की कमी कर दी जाए तो कुल कितनी कमी हो जाएगी ऐसे प्रश्न पूछ ले या आपसे ये दोनों ये सारे प्रश्न एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे इसका मान लीजिए ये है पहली परसेंट ये उसे आप एल मान लीजिए या ए मान लीजिए जो भी मानना है तो वो फार्मूला है एल प्लस बी प्लस एल बी अपॉन हंड्रेड ये फार्मूला होता है तो इसमें आप मान लगा दीजिए केवल तो एल की वैल्यू कितनी है दस परसेंट गिर गई है तो इसलिए दस को माइनस में लगेंगे कमी के लिए माइनस लेते हैं और वृद्धि के लिए प्लस लेते हैं बी की वैल्यू माइनस की होगी कितनी बार है? प्लस माइनस दस गुणा माइनस बारह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो मैं चिन्ह नहीं लगाऊंगा यहाँ पे और दस गुणा बारह होता है एक सौ बीस बट्टे सौ इन दोनों गुणा कर लिया मैंने डायरेक्ट एल और बी दस गुणा बारह एक सौ बीस होता है माइनस माइनस प्लस हो गया और सौ बट्टे में ओके तो जीरो से जीरो काट दिया और दस का इसमें भाग कर देंगे तो कितना जाएगा वन पॉइंट टू आप देख रहे होंगे दस और बारह कितना होता है बाईस माइनस का बाईस और प्लस का वन पॉइंट टू इसे जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का बीस दशमलव आठ तो इसमें बीस दशमलव आठ की टोटल कमी आएगी चाहे वो आयत के ऊपर प्रश्न बना दे चाहे ऐसे बना दे इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशूट ले लीजिए इससे बहुत प्रश्न लो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है इसमें इसमें मान लीजिए जरूरी नहीं कि जो आपका आयत है इसमें जैसे कह दिया जाए कि एक आयत की लंबाई दस परसेंट वृद्धि करने पर और चौड़ाई में दो परसेंट की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से ही ये ऐल मान लेना ये भी मान लेना हल करके निकाल लेंगे इसे और यही फार्मूला अगर उसकी कहें आ, क्या कहते हैं वर्ग के लिए किसके लिए वर्ग के लिए वर्ग में क्या होगा एल का मान वही लगेगा और बी का मान भी वही लगेगा दोनों का मान समान रहता है उसमें तो उसका भी निकल आएगा ऐसे ही व्रत के लिए कह दिया जाए कि आत्रजा में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल जो है आ, कितना परसेंट बदल जाएगा जैसे मान लीजिए किसी व्रत की त्रिज्या में पाँच परसेंट की वृद्धि कर दी हमने तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा तो वही मान लीजिए ऐसे आपका जो फॉर्मूला था एल प्लस बी प्लस एल बी अपन हंड्रेड तो यहाँ भी पाँच यहाँ भी पाँच यहाँ भी पाँच यहाँ भी पाँच सब में पांच पांच लगा देंगे आप ये निकल आएगा एकदम सही सवाल हो जाएगा आपका एक एन बुझा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है देखिए किसी शीर्ष से पूछा है जैसे मान लीजिए आपका चतुर्भुज है अब इस शीश से हम कितने खींच सकते हैं आपके विकर्ण ऐसे खींचेंगे भुजा हो जाएगी ऐसे खींचेंगे भुजा हो जाएगी ऐसे मिलाएंगे तभी तो विकर्ण बनेगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो एन माइनस तीन होता है क्योंकि तीन बिंदु ये और ये और ये ये कम हो जाते हैं तीन बिंदु पूरे बिंदुओं में से चतुर्भुज है तो चार शीश होंगे तो चार शीशों में से तीन कम कर दिए तो बराबर एक बच्चा एक बिकड़ बन गया और अगर मान लीजिए आपसे पंचभुज की कहता तो पंचभुज में देखो बना के दिखा देता हूँ एक बार जैसे मान लीजिए ये, ये पंचभुज है यहाँ से हम कितने बिकड़ खींच सकते हैं ऐसे खींचेंगे तो भुजा बन जाएगी ऐसे खींचेंगे तो भुजा बन जाएगी यहाँ से देखो एक बिकड़ भिकर, दो बिकड़ केवल दो बिकड़ बनेंगे तो पाँच में से तीन घटाइए दो आ जाएगा दो बिकट बने ना इसका फॉर्मूला होता है आपका एन माइनस थ्री ये वाला और यदि आपको ये पूछा जाए कि एन भुजा वाले बहुभुज में कितने टोटल विकर्ण होते हैं तो वो होता है एन सी टू माइनस एन एन सी टू की वैल्यू होती है एन एन माइनस वन बट्टे दो माइनस एन इसे ये इसके लिए फॉर्मूला काम करता है टोटल विकर्ण के लिए कार्तीय तल में बिंदु इतनी किस उसके किस पाद में स्थित है चतुर्थांश में मान लीजिए इस तरह से होता है इसमें आपके जो है दोनों प्लस के रहते हैं इसमें दोनों माइनस के रहते हैं और ये होता है आपका प्रथम और ये होता है द्वितीय ये होता है आपका तृतीय और ये होता है चतुर्थ तो ये दोनों माइनस के हैं तो तृतीय में आएगा ouais ये समझ में आ गया हो आपके और यदि इसकी बात करें इसमें पहले आता माइनस का फिर आता प्लस का द्वितीय में चतुर्थ में आएगा तो पहले प्लस का आता है बाद में आता माइनस का तो इसमें दोनों माइनस के हैं ना तो तृतीय पहुँच गया तो ये नोट कर लीजिए कि अगर ऐसे प्रश्न पूछता है प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है संख्याओं का प्लस प्लस होता है द्वितीय में माइनस प्लस होता है तृतीय में माइनस माइनस होता है चतुर्थ में प्लस माइनस होता है इससे आप इनको चेक कर सकते हैं कौन से में संख्या चली गई यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समिद्वाजित करते हैं तो आप जानते हैं वो समचतुर्भुज होता है क्या होता है सम चतुर्भुज तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है ए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है हमेशा बराबर रहती है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है चार अंकों वाली बृहतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल होगा तो आप जानते हैं चार अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो सकती है ये और चार अंकों की सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या ये होती है इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बनती है संख्या आपकी ये वाली है। चार जगह आपको पांच संख्या को पूछ ले छह की सात की कोई दिक्कत नहीं आप उसी हिसाब से आगे बढ़ा लीजिए इनको हल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं इसमें तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तो देखिए आज की वीडियो हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश करके ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए क्योंकि परीक्षा आने वाली है और जितने आपके मित्र हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो से कम से कम आपको दस अंक मिल जाएंगे आपको इसमें से आधारित प्रश्नों सहित आपको दस कुछ प्रश्न आपको डिकट मिल सकते हैं एकदम सेम टू तो सेम प्रश्न मिलेंगे हु हुब जो मैंने आपको वीडियो में कराए हैं और कुछ प्रश्न आपको उनके आधारित प्रश्न मिलेंगे तो आप इसमें जो है इस वीडियो से जितने लोगों को फायदा मिल सके उतना आप वीडियो को आगे तक भेज दीजिए सबको जिससे इनको सबको लाभ मिले और मैं एक जानकारी दे दूँ आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक ऐसी दूंगा जिसमें कुछ नोट्स होंगे यूपी टैट के जिसमें आपको संस्कृत है हिंदी है पर्यावरण है इसके कुछ नोट्स हैं तो मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक को वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको देखिए ये नोट्स मैंने बनाए हैं है। इन इनमें से परीक्षाओं प्रश्न लगभग पूछ लिए जाते हैं तो ज़्यादा नोट्स नहीं है आठ पेज का नोट्स है ये देखिए पहला पेज ये है इसमें से आपको बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ वो हैं तो आप इन्हें देख लीजिए इनमें से कभी पूछ लिए जाते हैं दो तीन प्रश्न ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है ये बाल मनोविज्ञान के हो गए ये देख रहे होंगे आप और यहाँ ये पर्यावरण से संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण तो प्रश्न इकट्ठे किए थे 2019 के टेट के लिए लेकिन उसमें से आए हैं एक दो प्रश्न आते रहते हैं साल ये और उसके लिए मैंने ये कुछ ट्रिक डाली हैं राष्ट्रीय उद्यान वाली टोटल कौन से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है और ये अधिनियम है कब कब पारित किए गए हैं हैं उनके कुछ दिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं इसको जरूर देखिएगा आप इस वाले नोट्स को ये जो मैंने बनाया है इसमें ये वाला पेज जो है मैंने इसमें से प्रत्येक वर्ष आपके हिंदी और संस्कृत दोनों में मिला करके चार से पांच प्रश्न आते हैं लेकिन पिछली परीक्षा में 2019 में लिखा था कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप के आने की प्रबल संभावना है इसमें से सात प्रश्न आए थे आपके केवल इसी पेज में से कोई ज़्यादा बड़ा पेज नहीं है आपका ये केवल यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस पेज में से यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ज़्यादा इसमें मटेरियल नहीं है इसमें से सात प्रश्न आए थे मेरी वीडियो इसमें से नोट्स में से और कुछ नहीं कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे संस्कृत में तो कुछ मिल जाएंगे हिंदी में तो और कुछ प्राइमरी में या फिर जूनियर में ऐसे करके इसमें से आपको टोटल प्रश्न चार से पाँच तो कम से कम मान के चलिए और इससे अधिक मिल जाए तो वो आपकी एक नसीब है आप इस नोट्स को जरूर एक बार पढ़ लीजिए और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आठ पेज आठ पेज का है ये आठ प्रश्नों में मैंने बहुत कुछ इसमें समावेश किया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें मैंने समावेश किया है आप इसे जरूर देख लीजिए डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है तो आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक बने रहिए हमारे चैनल में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो